साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ठीक है, आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका के कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का कदम यूएसए की धरती पर पड़ चुका है, जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम वहाँ पे रखा वैसे ही हमारे देश के कुछ चमचों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पिछवाड़े में जोर से आग लगी। जैसे ही ये आग तो आपको पता है धुआं उठना लाजमी है, तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये सारा धुआं उठ रहा है, जल जल के फूक रहे हैं। किस तरीके से भारत को रोका जाए, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए, किस तरीके से झूठ बेला फैलाया जाए, इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं और इनकी इतनी जल रही है, पाकिस्तानी इतनी जल रही है, मैं बता नहीं सकता। वैसे तो मेरे पास कंटेंट क्रिकेट का था लेकिन मैंने कहा नहीं, आज देश का सवाल है, मोदी जी का सवाल है, तो हम क्यों पीछे रह जाए। भाई आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला, आपका भाई वीडियो में कोई भी उंगली नहीं करने वाला, आप वीडियो देखिए, सीधा सीधा आपका भाई मिलता है वीडियो के लास्ट। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अजाइम को नाकाम बनाया जा सके, हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान। मैं वॉशिंग में बैठा, I'm 40 minutes away from, आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही, आपने वो पूरी मिंदी चलते नहीं, आपने अभी तक आप ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो कितने कांग्रेसमैन के आज व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, कितने आपके हाई जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट। मुझे खत्म करें, आपके साथ के साथ सलमान कंट्री बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था, जो बगल अथन ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था, वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है, जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट अमरीकी शर्ट दिखा के गायब हो गया। मैं समझता हूँ कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शामिद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वाड का बड़ा इजलास, मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर, ये जो हम शवाहद बाहर लाते हैं, इनका कोई फायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना होगा। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आजम की चीनी सदर से कभी बात, पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी सदर से वजीर आजम बात, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे पढ़ पा रहे हैं और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और इनके ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे, आकर दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं, और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20 माह से बात नहीं हुई तो दुनिया को समझ आए कि वो कितना हमारे साथ हैं और कितना हमारे दूर हैं, दुनिया उसी तरह डील करे। वजीर आजम के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं, दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। ये जरूरी नहीं है कि आप गाली निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात नहीं चाहिए। वो बात तो ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अगर इमरान खान नहीं आ, कितना बड़ा लग तो ये रहा है कि इमरान खान साहब सलाह के अगर मैं अमरीका हूँ बाइडन से मुलाकात, ये उल्टा फायदा हो जाए, इंसल्ट हो जाएगी। ये आप क्या कहते हैं कि इमरान खान
खान तो चलो एक बाइडन को कहना चलो एक मल्टीलैट क्वाड और बड़ा कोने आ रहे हैं, तो हमारा सीरिया अगर का नाम चाह तो ये तो ऑनलाइन खिताब किया, तो हमें तो इस वक्त अग्रेसिव डिप्लोमेसी दुनिया को बताने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या मौका है, माजी में हम क्या थे और अभी क्या है, दुनिया के साथ एंगेज। आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त, आपको अभी तक यही नहीं पता कि मुईद यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं या कुरैशी साहब आपके फॉरेन, आपको तो अभी तक यही नहीं पता। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कल कहा है जो मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने डिसीजन दिया है आपको पता है कि आपके उन्होंने बेइज्जती करनी जनरल असेंबली के इजलास में, और आपने उसके उससे पहले एक डिसीजन छोड़ा था कि न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको, लेकिन जनरल असेंबली में आप इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है टेलीवाइज करेंगे वहां से बैठ के जो अपना स्पीच है, लेकिन साहब यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं, वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे, उनकी वन टू वन मीटिंग है उनकी बाइडन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, सारी फुल फ्लेज उनका पूरे का पूरा आंट्राज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसके बाद। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज भी किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा, मैं उस पे उसके तनाजर में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक, एक, एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है, जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था, इनको बैलेंस करनी चाहिए, लेकिन इसे हो नहीं रही क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा इस वक्त चाइना से आ रहे हैं, अल्टीमेटली उनके साथ है, रिलेशनशिप उनके साथ है, क्योंकि हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर बेस हो। लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो सब जो मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच, रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ 220 जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब, उसके बाद उसमें ये देखें कि ब्रिक्स के ब्रिक्स में मोदी साहब बोले, और वो मेरा मकसद द वे दे आर मेकिंग देयर न्यू रिलेशनशिप एंड नेक्सस उसमें वर्सेस आप कहां हैं। हर बंदा यहां पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने चार लोगों की बैठक जो उनके इंटेलिजेंस के हेड ने उनकी बैठक कराई। मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूं कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका है आपके पास। वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं उन सारे कीड़ों को जमा कीजिए, और जमा करने के बाद उनको कमेंट के रूप में उतार दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना जरूरी है। मोदी जी गए यूएसए, मोदी जी को इंडिया, मोदी जी मतलब इंडिया, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं। अभी मोदी पर्सन बीजेपी की पार्टी का झंडा लेके नहीं गए, वो इंडिया का फ्लैग लेके गए हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके मोदी जी को सपोर्ट करें और साथ में कमेंट करें। यही नहीं, अभी और सुनिए, आपके कमेंट पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं, पाकिस्तानी लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तानी सहाफी पढ़ते हैं। मैं हर बार ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं 90% ऑलमोस्ट सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे, 10% व्यूअर ही देखते हैं, तो 90% लोग बिल्कुल नए, तो इसलिए मुझे हर बार ये बात बोलनी पड़ती है। काफी लोग कमेंट करते हैं कि यार आप एक ही बात बार बार क्यों बोलते हो, तो उसका रीजन सिर्फ ये है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सही बात है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।